Hello everyone, my doctor Avinash Kumar, ENT specialist and head and neck cancer surgeon, NICS hospital में कार्यरत हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन दी गई रेडिएशन जिसको हम sinusitis कहते हैं. बॉडी में नोज के अराउंड बहुत सारे sinuses होते हैं और इन sinuses का फंक्शन एज सच बहुत ज्यादा नहीं होता है. ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन, स्कल को लाइटन करना, ये सब कुछ फंक्शन है इसके, लेकिन बहुत रिलेवेंस नहीं है. लेकिन ये sinuses का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसको हम sinusitis कहते हैं. बॉडी में दो तीन ऑर्गन्स है, जैसे अपेंडिक्स हो गया, साइनसेस हो गए, इनका एज सच बॉडी में ज्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन जब इनके इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है. क्यों इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कॉजेज है, अगर कोई राइनाइटिस हो जाता है पेशेंट को, या कोई डेंटल इन्फेक्शन है, या स्विमिंग के दौरान अगर इन्फेक्टेड पानी साइनसेस में चल जाता है, या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम जिसमें नाक के बीच की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से sinusitis हो सकता है. इन्फेक्शन वगैरह की वजह से नाक की जो सीलिंग मैकेनिज्म है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, उसका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है और sinuses में सिक्रीशंस एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम स्टेसिस ऑफ सिक्रीशंस या फिर स्टेग्नेशन ऑफ सिक्रीशंस कहते हैं. इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट क्या क्या सिम्टम लेके आ सकता है, पेशेंट कॉन्स्टेंट हेडेक लेके आ सकता है, पेन लेके आ सकता है, फीवर लेके आ सकता है, नेजल डिस्चार्ज लेके आ सकता है, नाक से पानी बहना, या फिर पोस्ट नेजल डिस्चार्ज लेके आ सकता है. पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, जैसे रात को हम सोते हैं तो सिक्रीशन एक्युमुलेट हो जाता है, सुबह जब हम सो के उठते हैं तो ये सिक्रीशन थ्रोट से बाहर निकलता है, जिसको हमें स्पिट आउट करना पड़ता है, इसको हम पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहते हैं. पोस्ट नेजल डिस्चार्ज sinusitis का प्रथम नमोनिक साइन है, बहुत ही क्लासिकल फीचर है जो sinusitis में मिलता है. कैसे डायग्नोसिस करते हैं हम sinusitis का, हम एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, और हम डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी जिसमें हम दूरबीन से sinusitis की जांच करते हैं. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली हमें एंटीबायोटिक्स देना पड़ सकता है, नेजल डीकंजेस्टेंट देना पड़ सकता है, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, और स्टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कभी कभी ड्रेनेज इतना ब्लॉक हो जाता है कि उसे रिलीव करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, इसको हम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं. थैंक यू.